नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 22 फरवरी से आप लोगों का एक एग्ज़ाम आ रहा है SBI क्लर्क का। तो उसके लिए मैंने एक क्रेश कोर्स मान लो, या फिर आप लोग इसको रिवीजन कोर्स मान लो, रिवीजन कोर्स कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक रिवीजन कोर्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि आपका अनअकैडमी प्लस पे चलेगा और ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है। जिसके पास सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी प्लस का वो भी देख सकते हैं, जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं वो भी देख सकता है। तो सबके लिए है ये वाला कोर्स, तो आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। अब कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले मैं क्लासेस के बारे में बता देता हूँ, कैसे ज्वाइन करना वो बताऊंगा। देखो, एक क्लास होगी आप लोगों की 18 फरवरी को 4 बजे, ठीक है। लगभग एक घंटे से लेकर 2 घंटे, 2.5 घंटे तक कितनी देर भी चल सकती है। जितनी देर में हमारा पूरा कंप्लीट नहीं होगा रिवीजन, तब तक ये क्लास चलेगी आप लोगों की। इसके अंदर में आप लोगों का SBI कलर के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के पेपर्स में जो आए हुए क्वेश्चन है ना, जरूर नहीं है 2019 का ही लेंगे, उससे पहले के भी ले लेंगे हम लोग पेपर। मतलब जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन मुझे लगेगा सफिशियंट है, और आप लोगों को जो जो चीज़ें बतानी चाहिए, और इसमें जो नई चीज़ें जो आ रही है ना आजकल एग्जाम में, जैसे सिलोलिज्म में ओनली फ्यू, ठीक है, जो आ रहा है तो उसको भी वहाँ पे समझ लेंगे। मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन का हर एक टॉपिक का सेट करेंगे हम लोग, चाहे वो सिलोलिज्म हो, इनइक्वालिटीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, सबके दो दो क्वेश्चन के दो दो सेट लगा लेंगे। तो आप लोगों का लगभग 2 घंटे के अंदर सब टॉपिक के दो दो सेट आराम से हो जाएंगे, तो हम लोग आराम से इसको कर लेंगे। और कुछ कुछ जो नई चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे सिलोलिज्म का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, साथ में ही कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूंगा, यहाँ पे ब्लड रिलेशन डायरेक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूंगा। कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो भी मैं करवा दूंगा। अब ये क्लासेज अनअकैडमी प्लस पे क्यों जरूरी है, देखो अनअकैडमी प्लस पे जब आप लोग आओगे तो मैं आपसे, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आपके साथ साथ में प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। तो मैं आपको वहाँ पे पोल से आपसे आंसर ले सकता हूँ। मान लो 1000 स्टूडेंट क्लास के अंदर हैं, तो मैं 1000 स्टूडेंट से एक एक को तो नहीं पूछ सकता, लेकिन वहाँ पे पोल का सिस्टम होता है, तो पोल से मुझे पता लग जाएगा इतने परसेंट लोग ये आंसर दे रहे हैं, इतने परसेंट लोग ये आंसर दे रहे हैं। आपको समझ में आएगा नहीं आएगा तो मैं यस नो करके आपसे पोल करवा सकता हूँ वहाँ पे, तो मुझे पता चल जाएगा वहाँ पे कि भाई कितने लोगों को समझ में आया। तो इसलिए अनअकैडमी प्लस पे इसको कर रहे हैं, और फ्री है सबके लिए, कोई सब्सक्रिप्शन की इसके लिए जरूरत नहीं है। उसके बाद में 19 फरवरी को नेक्स्ट डे आपकी 4 बजे क्लार्क होगी। इस दिन हम लोग क्वांटिटी एप्टीट्यूड के पेपर करेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इन टॉपिक्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, नंबर सीरीज के और सिंप्लीफिकेशन के, 3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं, इनके हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 18 और 19 तारीख को ये क्लासेज होंगी। 19 तारीख को आपकी एक क्लास और होगी, और ये बड़ी ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। इसमें सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सर रिविजन कैसे करें अर्थमेटिक का, और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। तो इसकी सारी झंझट को खत्म करने के लिए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट 100 अर्थमेटिक के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जो SBI कलर के एग्जाम में आने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वैसे नहीं कि कोई हार्ड क्वेश्चन लिया है, नहीं, सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 19 फरवरी को सुबह 11 बजे ये क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों की 20 फरवरी को 4 बजे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की एक अलग से क्लास होगी, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 21 फरवरी को आपका DI का जो आप लोगों का पोर्शन है मैथमेटिक्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये आपकी 5 क्लासेज होंगी, क्लास कितनी भी लंबी हो सकती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सारा का सारा जो मुझे कराना है वो यहाँ पे करेंगे। अब अनअकैडमी प्लस के ऊपर एक स्पेशल क्लासेज होती है जो बिल्कुल सबके लिए फ्री होती है, तो उन स्पेशल क्लासेज के रूप में ये होंगी, और हर स्पेशल क्लास का एक लिंक होता है, ठीक है। तो वो आप लोगों को किस तरीके से मिलेगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर जाना है, मेरा नाम यानी कि अंशुल सैनी आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है, अंशुल सैनी आप लोगों को सर्च करना है, और वहाँ पे एक स्पेशल क्लास का ऑप्शन आएगा। तो जब भी टाइम स्पेशल क्लास का टाइम होगा उससे पहले वहाँ पे जाके क्लिक कर लेना, आपको वहाँ पे स्पेशल क्लासेस दिखा देगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है। अब यहाँ पे मान लो फिर भी क्लास मिले ना मिले तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार, तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सिंपल सा रूल निकाला है, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप पे इन सारी क्लासेस के लिंक और इसकी पूरी डिटेल, जब जब क्लासेस होंगी सारी डिटेल आएगी, साथ में इन क्लासेस में जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी PDF भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, तो आपको अनअकैडमी पे जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया। तो आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके जो सर्च वाला ऑप्शन आता है ना सर्च, ठीक है, उस सर्च पे जाके आप लोगों को लिखना है अंशुल सर, अंशुल सर, या फिर @अंशुल सर लिखेंगे तो सीधा एक ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे सर्च, जब @अंशुल सर ग्रुप लिखोगे तो आप लोगों का एक ग्रुप आएगा, बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ
चैंपियंस, इस ग्रुप को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। इसमें पहले से ही 10,000 से ऊपर मेंबर्स हैं, आप लोग भी इसमें जुड़ जाइएगा तो आप लोग उनके साथ में आप लोगों को भी लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हर स्पेशल क्लास में 4,000 की मैक्सिमम लिमिट होती है, तो वहाँ पे अगर आप लोग होंगे तो आपको सबसे पहले लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को नहीं मिल रहा है @अंजुल सर, तो आप लोग क्या करो, अपने टेलीग्राम ऐप तो आप लोग डाउनलोड कर ही लेना, अपने ब्राउजर में जाओ, क्रोम ब्राउजर में t.me/अंजुल सर ये लिंक करोगे, फिर इस लिंक को टेलीग्राम ऐप के साथ में ओपन करने के लिए बोलेगा, वहाँ पे जाते आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन ग्रुप के ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये जो पीछे की क्लासेस थी इसके बारे में डिटेल देखो, 5 दिन में जितना हो सकता है ना, 5 दिन में जितना हो सकता है उतना हम लोग करेंगे, और उससे ज़्यादा, मतलब जो आप लोगों की लास्ट में जो प्रिपरेशन होती है उसको एकदम जबरदस्त बनाने वाला तरीका है, कि इन 5 क्लासेज में जितना आपने पढ़ा होगा अभी तक, और जो नहीं आता है थोड़ा बहुत आपको इंपॉर्टेंट, सारा जो एग्ज़ाम में आने लायक है ना वो सारा कर लेंगे। और इसमें अच्छी बात ये होगी, सिर्फ SBI क्लर्क के लेवल के हिसाब से चलेंगे हम लोग इन 5 क्लासेज के अंदर, और कुछ नहीं होगा, लगभग मान के चलो 10 से 12 घंटे की ओवरऑल क्लासेज होंगी, और इसके अंदर आप लोगों का पूरा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आप लोगों के SBI क्लर्क के लिए क्रेश कोर्स की बात। अब देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स का एक डाउट था कि सर आगे आने वाले बैंक जो एग्ज़ाम है ना, उसके अंदर एक तो आप लोगों का IBPS RRB के जो ग्रामीण बैंक होता है ना, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं उनका, जिसमें जिन लोग स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश अगर थोड़ी सी वीक होती है ना, उनके लिए एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम अचानक से हम लोग एकदम से पास जाके तैयारी करते हैं, तो जो एकदम बेसिक से पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो या तो पार्ट टाइम जॉब करता है वो वाला स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर जो प्राइवेट जॉब करते हैं और वो दिन में उनको टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने का, तो वो अचानक से तैयारी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के, लेकिन अगर एक अच्छे टाइम पीरियड के अंदर वो एकदम से पहले से तैयारी करके स्टार्ट करना चालू करें तो आराम से उस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। या फिर जो आप लोग बेसिक लेवल से कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि मेरी रीजनिंग मैथ्स के अंदर कुछ मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आते, मुझे कहीं कहीं कमियाँ रहती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं एग्ज़ाम के अंदर, ऐसी अगर कोई चीज़ फील होती है, तो आपको कुछ टाइम पहले से ही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। SBI कलर का एग्जाम है आपका, अच्छे से 2 क्रेश कोर्स में करा रहा हूँ, उसमें पूरा रिवीजन करा दूंगा, और बाकी आपने YouTube पे 350+ वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से आपने देखा होगा, अनअकैडमी बैंक लाइव पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, अनअकैडमी प्लस पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अब यहाँ के लिए क्या करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, RRB का एग्ज़ाम की डेट आप लोगों के सामने है, ठीक है, आप लोगों की अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो जाएंगी प्री की, ठीक है, अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो जाएंगी, उसके बाद में जो मेन एग्ज़ाम होगा वो हो जाएगा आप लोगों का सेप्टेम्बर में। तो अच्छा रहेगा कि हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक, अगर जुलाई फर्स्ट वीक तक एकदम जबरदस्त पूरा का पूरा हम लोग अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। साथ में देखो, SBI कलर का नोटिफिकेशन यही जुलाई के आसपास आता है, जून जुलाई के आसपास आता है, लेकिन इस बार पहले आ गया है, तो अभी SBI PO के बारे में कुछ भी डेट के बारे में कहना कोई मतलब ज़्यादा इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद है कि इसी टाइम तक SBI की एग्ज़ाम भी चली जाएगी, कि मई जून तक तो चली जाएगी SBI PO जो आप लोगों का आने वाला है, SBI PO आने वाला है, ठीक है। और आगे मैं बात करता हूँ आप लोगों की IBPS PO की, तो IBPS PO का जो एग्ज़ाम होने वाला है, देखो यहाँ पे जो आप लोगों का ये अगस्त में आप लोगों का प्री हो जाएगा, ठीक है, जुलाई अगस्त, और ये सितंबर में आप लोगों का ये मेंस हो जाएगा, और यहाँ पे आके अक्टूबर के अंदर आप लोगों की IBPS PO आ जाता है। फिर मान लो देखो, लगातार आप लोगों को मौके मिलते जाएंगे, मतलब अगर आप लोग, ठीक है, और फिर 28 नवंबर को आप लोगों का मेंस एग्जाम हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप लोग 2020 के अंदर जॉब चाहते हैं, तो जुलाई तक अगर आप लोग एकदम जबरदस्त तैयारी कर लें, जिसका इंग्लिश कमजोर है वो तो ग्रामीण बैंक को टारगेट कर लो, जिसका इंग्लिश थोड़ा ठीक है वो SBI PO और IBPS PO को भी साथ में टारगेट कर लो, जिनका इंग्लिश कमजोर है वो इतना टाइम है आप लोगों के पास 6 महीने में, अगर आप रीडिंग स्किल्स और वोकैब को सुधार लोगे तो आपके आराम से आप लोगों का इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेनली मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, जो मेरा सेक्शन है क्वांट और रीजनिंग का। अगर जुलाई तक आप लोग बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर ले तो आपके पास कितने मौके हैं, SBI PO, ठीक है, उसके बाद में RRB PO, फिर RRB क्लर्क और फिर IBPS PO, 4 मौके। इसके बाद में IBPS क्लर्क भी आएगा, ठीक है, वो इसके बाद में आएगा दिसंबर के बाद में, तो उसके बाद में IBPS क्लर्क जो अभी रिसेंटली गया है, ठीक है, ये मौके आप लोगों के पास रहेंगे। अगर आप जुलाई तक बेस्ट तैयारी कर लेते हो और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हो, तो इसमें नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं कहीं तो होगा। इतने मौके, 5-6 एग्जाम लगातार आप लोगों के आने वाले हैं, बीच में इंडिविजुअल बैंक की इंश्योरेंस वगैरह की भी एग्जाम आती रहती हैं, लेकिन बशर्त ये कि किसी भी बैंक एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने की अगर जबरदस्त मेहनत कर लेना, वैसे भी देखो 3 महीने की मेहनत में भी अच्छे से हो सकता है अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो, लेकिन कैसा भी स्टूडेंट हो
अगर 6 महीने वो अगर प्रॉपर तरीके से उसे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर ट्रिक्स मिल जाए उसको सोल्व करने की, तो वो आराम से एग्जाम क्लियर कर सकता है। और 2020 में अगर जॉब लेना है आप लोगों को, और इसकी बैंक एग्जाम की अच्छी बात होती है ज्वाइनिंग बड़ी जल्दी मिलती है, तो अगर आप लोगों को 2020 में अगर आपको अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, जल्दी जॉब चाहिए, या फिर प्राइवेट जॉब से परेशान हो, गवर्नमेंट में आना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त चीज़ लेके आया हूँ। अब ये सारे एग्जाम्स आप लोगों की उसमें कवर हो जाएंगे, उसमें प्री मेंस सब मैथ्स रीजनिंग में कहीं एक बार जुलाई तक मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ लो आप लोग, उसके बाद में आपको ना मैथ्स रीजनिंग में ना कभी दोबारा से क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरे वीडियो में देखना, किसी और के में देखना, कभी आप लोगों को क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप लोग। लेकिन बशर्त ये कि आप लोग टाइम पे क्लास में आओ, ठीक है, सारी क्लासेज अटेंड करो, सब कुछ अच्छे से करो, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इतनी एग्जाम्स की मैंने आप लोगों को बात बताई, इसके लिए प्लानिंग क्या है, जॉब वालों के लिए भी प्लानिंग है मेरे पास में, ठीक है, ये छोड़ो एक बार, है ना। मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कंप्लीट कोर्स ऑन क्वांट एंड रीजनिंग, कंबाइंड कोर्स होगा बैंक एग्जाम्स के लिए, ये आपका अनअकैडमी प्लस पे होगा, और ये जिसके पास अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन होगा वही इस कोर्स को एसेस कर पाएंगे, क्योंकि देखो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग फ्री भी चलाते हैं, काफ़ी सारी हम लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन के ऊपर पेड भी चलाते हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग के पास है तो आप लोग देख सकते हो, जिनके पास नहीं है वो ईजिली ले भी सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है मैं बताऊँगा। अब देखो सबसे पहले मैं अकेडमी प्लस के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ, मेरा तो कोर्स जो चल रहा है वो मिलने ही मिलने वाला है जबरदस्त कोर्स आप लोगों को। इसके अलावा लगभग लगभग है ना 50 फैकल्टी के आसपास और मान के चलो आप लोग बैंक कैटेगरी के अंदर, जिसके जितने भी पेड कोर्सेज हैं या फिर ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में सब मिलेंगे आपको। जीके के 3-3, 4-4 टीचर मिलेंगे, क्वांट के इतने टीचर मिलेंगे, रीजनिंग के बहुत सारे टीचर मिलेंगे, इंग्लिश के बहुत सारे टीचर मिलेंगे, आपको जहाँ समझ में आता है वहाँ पर पढ़ सकते हो आप लोग। जरूरी नहीं है मेरा कोर्स तो आपको करना है तो करो, वरना मत करो, किसी और का भी कोर्स आप लोग जहाँ से जो समझ में, मान लो मेरे से आपको एक टॉपिक नहीं समझ में आया, जरूरी थोड़ी होता है एक टीचर का सारा कुछ समझ में आ जाए, तो वो टॉपिक आप वहाँ पे किसी और से पढ़ लो। तो आपको एक पूरा पैकेज मिल रहा है इसके अंदर, और इसकी फीस बड़ी अफोर्डेबल है, ठीक है। तो इस पूरे कोर्स के बारे में मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर कोई आप लोग अगर प्लस ज्वाइन करते हो तो अगर आप मोबाइल ऐप खोलेंगे तो यहाँ पे क्लिक करना, सबसे पहले साइन इन वाइन करना, तो यहाँ पे फिर आके प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद में ऐसी स्क्रीन खुलेगी, फिर यहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आप लोगों को ना 3-4 टाइप के पैकेज मिलेंगे, एक एक महीने का मिलेगा, ठीक है, एक फिर आप लोगों का 3 महीने का मिलेगा, ठीक है, एक फिर आप लोगों को 6 मंथ का मिलेगा, फिर आप लोगों को 12 मंथ का मिलेगा, फिर आपको 24 मंथ का मिलेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है कुछ कुछ, ठीक है, और आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा आता है, तो 6 महीने से ज़्यादा आपको गाइडेंस की जरूरत है, मतलब एग्जाम आने से पहले सब कर लो, एग्जाम पे टाइम पे फिर आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है कि जुलाई अगस्त में पूरी तैयारी कर लो फिर सेल्फ स्टडी करूँगा, तब तो आप 6 महीने का बैच ले लो, ठीक है। 6 महीने से कम वाले में कोई मतलब नहीं है, मत लेना, ठीक है। तो 6 महीने वाला बैच ले लो, इसकी जो कीमत है वो है 4800 रुपये, ठीक है। तो 4800 रुपये में आपको 50+ फैकल्टीज मिल रही हैं, पता नहीं कितने 100 कोर्सेज मिलने वाले, मेरा कोर्स भी मिलने वाला है, तो ये ज़्यादा अफोर्डेबल। 12 महीने का अगर आप लोग लेते हो, उसके बाद में एग्जाम तक आपको सपोर्ट मिलेगा टिल मतलब 12 महीने तक, तो उस टाइम पे आप लोगों को 6000 रुपीज़ उसका पड़ेगा। अब इसमें भी अगर आप लोग कोड यूज करते हैं हमारी तरफ से जो बैंकर्स पॉइंट का कोड है, तो आप लोगों का यहाँ से 480 रुपये कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4320 रुपये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 600 रुपये कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5400 रुपये हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक एंटर रेफरल कोड मिलेगा, तो उसके अंदर आप लोगों को लगाना है बैंकर्स पॉइंट, स्मॉल में लगा देना, कैपिटल में कैसे भी लगा देना, ठीक है, बैंकर्स पॉइंट, आप लोगों को ये कोड लगाना है। अगर आप लोग ये कोड लगाते हो तो आपको ये प्राइस जो है ये कम हो जाएगी, 10% यहाँ पे कम हो जाएगा, जैसे आगे लगा के दिखाया हुआ है इसने, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर रेफरल कोड के अंदर बैंकर्स पॉइंट, यहाँ पे अगर लिखूंगा मैं, ठीक है, बैंकर्स पॉइंट, फिर मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा जैसे ही, तो रेफरल कोड अप्लाइड, देखो यहाँ पे प्राइस हो गई कम हो गई, ये 12 महीने वाले पे अप्लाई करेगा, तो ये अप्लाई कर लेना, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि कोई आगे देखे बिना ही कोई जाके ना कर दे, ताकि आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाए। सेम चीज़ आप लोग अगर वेब वर्जन के अंदर जाओगे तो वहाँ पे भी ये कोड लगा देना, कोड में एक बार दोबारा से लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है, अपने जो चैनल का नाम है वही कोड है, BANKERS, स्पेलिंग गलत कर दोगे तो नहीं लगेगा, POINT। और ज़रूरी नहीं है, देखो जो अफोर्डेबल नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो ये मन में मत रखना कि भाई सर हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं शायद इतनी फीस भी ना अफोर्ड कर पाए, तो उनके लिए यूट्यूब के ऊपर क्लासेज आ रही है, स्पेशल क्लास जैसे क्रैश कोर्स ऐसे आ रहा है,
और इसके अलावा मेरी यूट्यूब पे 300+ वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनसे जाके एक एक को ढूंढ ढूंढ के पढ़ो, वहाँ से अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा आप लोगों को। तो वहाँ से फिर थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी प्रैक्टिस वगैरह के लिए, तो आपका भी हो सकता है, कोई उसमें वो नहीं है। ये थोड़ी सी सुविधा के लिए है। यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट को ज़्यादा पर्सनल अटेंशन दे पाते, क्योंकि अगर कहीं और पढ़ाते तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पे एक क्लास के अंदर 50 से 100 स्टूडेंट प्लस के अंदर इतने ही होते हैं लाइव के अंदर, तो एक एक स्टूडेंट का सवाल का जवाब दे सकते हैं। वहाँ पे लाइव चैट, लाइव क्लास होती है, लाइव चैटिंग चलती रहती है, आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन पुट करके क्वेश्चन की फोटो डाल के मुझसे डाउट डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको पोल से आंसर टाइमर लगा के आंसर पूछ सकता हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कि कितने लोग क्या आंसर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना सारी चीज़ें वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मैनेज्ड वे के अंदर है, इसलिए ये प्लस के अंदर मैं क्लासेस लेना पसंद करता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को अगर यहाँ पे ज्वाइन करना है तो इस तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, इस कोर्स के बारे में क्या डिटेल है, ये बड़ा ही अच्छा कोर्स है। सबसे पहले जो लोग आपके कोई भी जानकार हो जो जॉब करते हैं, अगर उनको तैयारी करनी है तो ये बैच बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होने वाला है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कोर्स दो पार्ट्स में लॉन्च होगा, पार्ट वन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है, पार्ट वन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब पार्ट वन की बता देता हूँ मैं क्लासेस। पार्ट वन की जो क्लासेज होंगी ये 26 फरवरी को ये क्लास होगी, ये 27 को होगी, ये 28 को होगी। उसके बाद में 2-3 दिन ऑफ रहेगा, उसके बाद में हर महीने में, मार्च से बता रहा हूँ, हर महीने की इवन डेट को, जैसे 2 मार्च को, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 10 को, फिर 12 को, 14 मार्च को, फिर 16 मार्च को, इस तरीके से क्लासेस होंगी। हर इवन डे पे क्लास होगी, ओड डे पे छुट्टी होगी, मतलब इवन डे पे क्लास होगी, ओड डे पे छुट्टी होगी। सम संख्या वाले दिन पे क्या होगी, क्लास होगी आप लोगों की, और विषम संख्या वाले दिन पे क्या होगी, आप लोगों की छुट्टी रहेगी। तो इस तरीके से पूरा पूरा ये आप लोगों का मैंने मैनेज किया, ये इसलिए किया। और इसकी जो टाइमिंग रहने वाली वो जॉब वालों के लिए, और जो घर पर मान लो किसी को कुछ काम रहता है, रात को खाना वाना अगर आप लोग खुद बनाए खाते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट बाहर रहता है, तो उसके लिए मैंने अच्छे से एकदम से टाइमिंग अरेंज किया कि रात को 8:30 बजे से, रात की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रात को 8:30 बजे से 10:30 बजे तक ये क्लास आप लोगों की 2 घंटे की यहाँ पे होने वाली है। तो कोई भी इसको जॉब वाला कोई भी, ये टाइमिंग बड़ी सुटेबल है। अच्छी बात ये कि 3 दिन ये लगातार क्लास ले लो आप लोग, उसके बाद में आप लोगों की अल्टरनेटिव क्लास होगी, तो आपको आपसे मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए। आप 2 मार्च को 2 घंटे पढ़ लो यहाँ पे मेरे से, जो मैंने क्लास में पढ़ाया वो, फिर 3 मार्च को इसी टाइम पे, 3 मार्च को तो आपका ऑफ रहेगा मेरी तरफ से, इसी टाइम पे 2 घंटे में आपको एक डेली प्रैक्टिस सीट दूंगा, DPP दूंगा मैं आप लोगों को, डेली प्रैक्टिस सीट दूंगा एक, उस DPP के अंदर मैं 25 से 30 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। वो 3 तारीख को वो 2 घंटे के अंदर वो क्वेश्चन सोल्व करके आना, 4 तारीख को आते ही आधे घंटे में पहले मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक एक स्टूडेंट से पूछूंगा भाई किसको आया किसको नहीं आया क्या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, फिर 1.5 घंटा और पढ़ेंगे, फिर आपको एक DPP दी जाएगी, 5 तारीख को DPP को सोल्व करो, 6 को आ जाओ। इस तरीके से ये कोर्स चलता रहेगा। इसके अंदर सारा देखो नया पैटर्न ओल्ड पैटर्न सबके सब चीज़ें हैं ना इसके अंदर कंप्लीट होने वाली है। देखो आप टॉपिक्स के नाम तो मैं क्या क्या बोल के बताऊँ, सारे टॉपिक है इसके अंदर, तो ये चलती रहेंगी क्लासेज, ठीक है। और इसमें एक अच्छी चीज़ और मैंने की है, वो अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर कि भाई मैंने क्या किया है, अब देखो पजल और DI है ना बड़ा, मतलब बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग बोर हो जाते हैं इसके अंदर कि भाई लगातार 10 क्लास लगा दी 2-2 घंटे की पजल की, तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो हम लोगों ने क्या किया, और उसमें इतना प्रैक्टिस भी इतनी नहीं होती और पाती और थोड़ा बोरिंग हो जाती हैं चीज़ें, तो मैंने क्या किया है, देखो 3-4 क्लास लगी, उसके बाद में देखो एक पजल की क्लास आ गई और एक सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास आ गई, ठीक है। उसके बाद में लगातार क्लास नहीं है, फिर आगे चलोगे कुछ क्लासेस को गैप दिया, और उसके बाद में फिर से देखो आप लोगों की यहाँ पे जाओगे तो पजल की क्लास आ गई और सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास आ गई। अब DI के साथ क्या है, रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो और परसेंटेज पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद DI पढ़ सकते हो। तो DI की पहली क्लास देखो यहाँ पे आ गई, DI की पहली क्लास यहाँ पे आ गई, अब कुछ दिन का गैप दे दिया, फिर DI की क्लास आ गई। इस तरीके से कोर्स आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और मेन मेन जितने भी टॉपिक है आप लोगों के सारे कंप्लीट होते रहेंगे, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन, जो भी है नया पैटर्न पुराना पैटर्न मेंस का सब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 130 घंटे का ये कोर्स है, ये तो पार्ट वन में यहाँ तक हो जाएगा, पार्ट टू इसका 1-2 महीने बाद में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। पार्ट टू जब यहाँ पे लॉन्च होगा तो यहाँ पे देखना, पार्ट टू के अंदर भी बस लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। अब एक चीज़ मैंने पार्ट टू के अंदर ये की है कि भाई पार्ट टू के अंदर मैंने क्या किया है, ये मेन मेन टॉपिक होने के बाद में आप लोगों का, मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम टॉपिक्स का नाम नहीं दे सकते, कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने उनको न्यू पैटर्न रीजनिंग का नाम दिया। ऐसी मैंने 3 क्लासेस लगाई जिसमें इधर उधर के जितने भी उठपटांग क्वेश्चन है ना वो सारे कर लेंगे हम लोग। और इस कोर्स की अच्छी बात यह है, 2016 से लेके 2020 में अब तक जितने भी बैंक के एग्जाम हुए हैं और जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम हुए हैं, उनमें एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे इस क्लासरूम के अंदर कवर हो जाएंगे, क्लासरूम के अंदर या फिर DPP के अंदर, कहीं भी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है आप लोगों का, 26 तारीख से चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं एक नंबर दे देता हूँ, 8955974739, इसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोड भी बता देता हूँ, 10% का बैंकर्स पॉइंट,
ठीक है, और आप लोगों को उसके अंदर जरूर आना है सभी लोगों को, जो मैंने क्रेश कोर्स आप लोगों के लिए रिवीजन कोर्स जो मैंने लेके आया हूँ, ठीक है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इसके अंदर जाते हो तो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी बात। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है अपने क्रेश कोर्स में कल से शाम को 4 बजे। थैंक यू।